हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीमा शंकर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। तो इस वजह से, क्योंकि हेल्थ इशू बहुत हो रहे हैं इस टाइम पे, तो मुझे भी बहुत हेल्थ इशू होने लग गए हैं। बट आफ्टर अभी मैंने अपना जब पूरा फुल बॉडी चेकअप कराया था, तो उसमें मेरा ऐसा कुछ नहीं निकला था। बट मेरा जो डिलीवरी के बाद से जो मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम थी, वो मेरी इंक्रीज़ हो गई है। तो यानी कि मेरी जो थायराइड की जो मैं मेडिसिन लेती हूँ, वो मेरी डॉक्टर ने बढ़ा दी है। क्योंकि उससे ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे जो मुझे लग रहा था कि थायराइड की वजह से ही हो रहे हैं। तो बाद में डॉक्टर को दिखा के वो समझ में आया कि हाँ, ये सब थायराइड की वजह से ही होता है। आपका वेट गेन हो जाता है, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी थक रहे हैं, बहुत काम करने में ऐसा, तो ये सब होने लगा है। तो ये ना हमारे हजरतगंज की जो लखनऊ की जान है, शान है, हजरतगंज में देखे, जब से राम भूमि में, जब से राम जी वहाँ पे अयोध्या में आए हैं, तब से देखे वहाँ, उस दिन से इतना सुंदर बनाया था ना, उस दिन की है ये वीडियो। बहुत ही सुंदर हजरतगंज में हर जगह, यहाँ पे माला थी, यहाँ पे सब जगह सजा रखा था, और रोड इतनी सुंदर लग रही थी। तो यही सब देख के ना, लखनऊ में ना रात को ना दिखने में बहुत सुंदर लगता है हर जगह। तो हमारा दिन तो ऐसे ही जाता है, क्योंकि रात के टाइम पे जब भी आप कहीं जाते हो ना घूमने के लिए, तो लाइटिंग वगैरह ये सब दिखने में बड़ा मज़ा आता है। और ये सब जो ये राम जी वाले जो ये झंडे हैं, ये सब चीज़ें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। हमने भी अपने घर में जैसे उस दिन लगाए थे सभी ने, तो हमने भी लगाए थे यहाँ पर श्री को देखी है। इस समय ना थायराइड की वजह से थोड़ा सा मेरा अभी हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। तो अभी हम लोग यही देख रहे हैं कि थायराइड मेरा जल्दी से जल्दी मेरा नॉर्मल उसमें आ जाए, क्योंकि अभी मेरा इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है, बट उससे मेरे अभी भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैं हॉस्पिटल गई थी, तो हॉस्पिटल की मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे सारा चेकअप हुआ, सब कुछ हुआ, थायराइड का फिर से मेरा टेस्ट हुआ, तो उसमें भी बड़ा हुआ आया था। देन नेक्स्ट तो फिर हम जब घर आए थे, तो हमारे जो रेंट में भैया भाभी रहते, उनकी बेटी का बर्थडे था, तो वो वहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे सेलिब्रेट किया उनके साथ। तो मैं और श्री ही गए थे, तो यहाँ पे वही उसकी छोटी छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी ना अपनी वीडियो ना टाइम टू टाइम लेके आऊँ। तो और बहुत सारी चीज़ें ना मुझे यूट्यूब से और पता चली हैं, जो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो अभी तक ना आप मेरी इस वीडियो को ना खूब इन्जॉय करिए, क्योंकि आगे से मेरी जो वीडियो आएंगी, वो मैं भी कोशिश करूँगी टाइम अपने रेगुलरली उसके टाइम मैं फिक्स रखूँ कि हाँ इतने बजे तक मेरी वीडियो आ जाए। तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही अपना प्यार, सहयोग एंड सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। Yeah.
थोड़ा सा खा लो फिर उधर खा लो, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, जल्दी जाओ।